और घर में घी खत्म हो गया है, मंगवा लेते हैं। अबे घी की क्या जरूरत है, एम ही खर्चा करवा रहा है। खर्चा करवा रहा हूँ? अबे कल ही तो तू 3,000 रुपये की शर्ट लेके आया, आज घी का सुनते ही 1,000 रुपये तेरे को अकाउंटिंग याद आ गई। भाई 3,000 रुपये की शर्ट में ना 30,000 लाइक मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। घी से क्या है, थोड़ी बहुत बीमारी ठीक हो जाएगी, चला लेंगे यार काम, कोई नहीं। तू सीरियसली इंस्टाग्राम के लाइक्स को अपनी सेहत से भी ऊपर मानेगा? और नहीं तो क्या। अगर कोई ऐसा फूड है जो सबकी डाइट का पार्ट होना चाहिए वो है देसी घी। लेकिन आप कौन सा घी यूज करते हैं, अमूल घी, पतंजलि गाय का घी, गोवर्धन, मिल्क फूड या ऑर्गेनिक इंडिया? क्या बताया लैब रिजल्ट्स ने, जब यही सबसे पॉपुलर घी ब्रांड्स को एडल्ट्रेशन के लिए टेस्ट किया गया। बेसिकली सेहत के लिए कौन सा घी है सबसे बेस्ट, आइए पता करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैटी ओवर हिंदी। घी के चमत्कारी फायदे होने की वजह से आयुर्वेद में घी को अमृत से कम नहीं समझा जाता। लेकिन क्या ये बात उस घी के लिए भी सच है जो हमें मार्केट में मिलता है? इस बात का पता लगाने के लिए मैंने रिसर्च की और उसी के बेसिस पे मैंने सभी घी को 4 कैटेगरीज में बांटा है। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1, जिसमें आता है वनस्पति घी। आप समझ ही गए होंगे, इसे तो घी कहना ही गलत होगा। ये कुछ ज्यादा ही सस्ता होता है, और क्यों नहीं, इसमें घी के नाम पे सस्ते पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं जो शरीर में ट्रांस फैट का कारण बनते हैं और आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। इन्हें खाना तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2, जो भारत की मेजॉरिटी जनता इस्तेमाल करती है, जैसे अमूल घी, पतंजलि, गोवर्धन, मिल्क फूड, नेस्ले, मदर डेयरी और आशीर्वाद। पहली शंका तो यही उठती है कि कहीं इन कमर्शियल घी में कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं। चलो इस बात की तो तसल्ली है कि इन सभी ने एडल्ट्रेशन टेस्ट को पास कर लिया, जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने NABL एक्रेडिटेड लैब से करवाया। तो वो सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो इनमें मिलाए हुए रंग या बासी तेल की अफवाह फैलाते हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं रहा। तो क्या ये कहना सही है कि ये घी हेल्दी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ 2 चीजों में प्रॉब्लम है। पहला तो ये कि इस घी को बनाने के लिए कौन सी नस्ल की गाय का इस्तेमाल किया गया, और दूसरा किस मेथड से घी को बनाया गया। ये दोनों ही प्राचीन भारत के तरीकों से विपरीत हैं, जिनका वर्णन हमें आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। ये सभी ब्रांड्स विदेशी गायों के दूध को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जर्सी, फ्रिशियन होल्स्टेन, जो A1 टाइप दूध का सोर्स है और जिसके मानव शरीर पे नुकसानदायी परिणामों का पता चल चुका है। पतंजलि ने यूं तो विदेशी गायों का दूध इस्तेमाल किया है, लेकिन पैक पे बड़ी चालाकी से भारत की देसी गाय थारपारकर की फोटो चिपका रखी है। ये तो सरासर गुमराह करने वाली बात है। अमूल घी 2 वेरिएंट्स में आता है, प्योर घी जो कि गाय और भैंस के मिक्स्ड दूध से निकाला जाता है, और दूसरा काउ घी। लेकिन दोनों ही विदेशी गायों का A1 दूध इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात गौर करने लायक ये है कि ये ब्रांड्स घी मलाई से निकालते हैं, दही से नहीं, जो आयुर्वेद में वर्जित है। मलाई से घी निकालना आसान है, लेकिन उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं होती और ना ही वो सारे बेनिफिट्स होते हैं जो घी में होने चाहिए। ओवरऑल इस कैटेगरी में जो भी घी हैं, इन पे पैसे ना ही बर्बाद करें, ये वो घी है ही नहीं जिनकी बात शास्त्रों में की जाती है। आइए अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की, जिनमें आता है ऑर्गेनिक घी, जैसे ऑर्गेनिक इंडिया घी, अक्षयकल्प ऑर्गेनिक घी और कुछ और ऐसे ही ऑर्गेनिक घी ब्रांड्स। ऑर्गेनिक घी से मतलब ये है कि ऐसी गायों के दूध से घी बनाया जाए जिन्हें पेस्टिसाइड फ्री चारा डाला जाता हो, कोई ज्यादा दूध के लालच में हार्मोनल इंजेक्शन ना लगाए जाते हों, जो कि कैटेगरी नंबर 2 के घी में बिल्कुल हो सकता है। उस लिहाज से तो कैटेगरी नंबर 3 के घी कैटेगरी नंबर 2 से बेहतर है, लेकिन बेस्ट नहीं, क्योंकि दूध अभी भी A1 टाइप विदेशी गायों का ही है और घी भी मलाई से ही निकाला गया है, दही से नहीं। और प्राइस में तो कैटेगरी नंबर 2 से डबल से भी ज्यादा है। अब इससे पहले कि हम भारत के बेस्ट घी की बात करें, आइए बात करते हैं एक ऑनरेबल मेंशन की, भैंस का घी। आयुर्वेद में ऐसे भैंस के घी की बड़ी तारीफ है जो परंपरागत तरीके से दही को बिलो के बनता है, और भैंस का दूध तो नेचुरली ही A2 टाइप होता ही है। लेकिन हाँ, देसी गाय के घी से बेहतर नहीं कह सकते। भैंस का घी वेट गेन करने के लिए और पहले
पहलवानों के लिए जो कसरत करते हों उन्हीं को सजेस्ट किया जाता था। भैंस के घी से शरीर में सुस्ती भी बढ़ती है। भारतीय मार्केट में काफी कम ही ऐसे भैंस के घी मिलते हैं जो दही को भिगोकर बनाए जाते हों। न्यूट्री मू का देसी बफलो घी एक अच्छा ऑप्शन है, प्राइस में भी सही है। लेकिन क्या कोई ऐसा गाय का देसी घी है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो? जी बिल्कुल, कैटेगरी नंबर 2 में आता है वो घी जो भारत की देसी गाय जैसे गिर, साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, कांकरेज, राठी के A2 टाइप दूध से बिना किसी हार्मोनल इंजेक्शन बल्कि शास्त्र विधि से निकाला जाता है। ये घी 3000 साल पुराने वैदिक मेथड जिसे बेलोना मेथड कहते हैं, जहां दही को हाथ से मथकर मक्खन निकाला जाता है जिसका फिर घी बनता है। और ये जानकर खुशी हुई कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो इस परंपरा को आज भी फॉलो कर रहे हैं। इस कैटेगरी में आते हैं केसरिया फार्म का A2 गिर गाय का वैदिक घी, गौ अमृतम A2 कांकरेज काऊ का वैदिक घी, श्री राधे ऑर्गेनिक A2 गिर काऊ घी और दिव्य कामधेनु गिर काऊ घी। यही नहीं, कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो इनसे थोड़े सस्ते भी हैं लेकिन फिर भी ऑथेंटिक हैं। इनको खरीदने के लिए लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दोस्तों, घी को परखते हुए 4 चीजों का ध्यान रखें। पहला, A2 घी लिखा हो, दूसरा गाय की नस्ल भी बताई हो, तीसरा पैक पे बिलोना मेथड का मेंशन हो और चौथा ये कि कांच के मर्तबान में ही पैक्ड हो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह से हर पीली चीज A2 देसी घी नहीं होता। मिसाल के तौर पे इंडी काउ का A2 देसी काउ घी ने ना तो गाय की नस्ल बताई है और प्लास्टिक पैकेजिंग है। जीविका नेचुरल्स ने गाय की नस्ल के बारे में कुछ नहीं बताया। हिमालयन नेटिव्स ने बिलोना मेथड का कहीं जिक्र नहीं किया। इन ब्रांड्स ने कोशिश अच्छी की है लेकिन 100% ऑथेंटिक नहीं कह सकते। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे ब्रांड्स भी मिले जो घी बनाने की विधि को अगले स्तर पर ही ले गए, जैसे द वे वीवर का देसी गिर काऊ घी, ईशा वयसम का A2 गिर काऊ घी और गिर अहिंसक गऊ घी। इन्होंने बिलोना मेथड तो फॉलो किया ही है बल्कि गाय की डाइट को भी बहुत पौष्टिक रखा है। यहाँ तक कि अश्वगंधा और शंख पुष्पी जैसी जड़ी बूटियां भी खिलाई जाती हैं। जाहिर है फिर दूध तो बेहतर होगा ही। दोस्तों, वैसे तो आप अपने बजट और चॉइस के हिसाब से इस कैटेगरी में मेंशन कोई भी घी बिना किसी टेंशन के खरीद सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में खुद की बॉडी टाइप के हिसाब से भी कौन सा घी ज्यादा अच्छा रहेगा इसका वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, यही वो घी है जो हमारी सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। नेचुरली CLA से युक्त यही वो देसी घी है जो आपके शरीर पे एक्स्ट्रा चर्बी निकाल बाहर फेंकता है। अष्टांग हृदयम की माने तो यही वो घी है जिसकी 2 बूंद अगर आपने सोने से पहले नाक में डाली तो गले के ऊपर के सभी रोगों में दवाई का काम करेगा। और यही वो बिलोना घी है जिसे अगर आप अपनी नाभि पे लगाएं तो आपका चेहरा चमक उठेगा। खैर, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, 2000 रुपए सिर्फ घी पे? मैं मानता हूँ कि वर्स्ट और बेस्ट घी के प्राइस में तो काफी गैप है, लेकिन आप उतना ही कम इस्तेमाल कर सकते हो। खाना जो है वो कोल्हू से निकले कोल्ड प्रेस तेलों में पकाओ और इस घी को बस ऊपर से कच्चा सब्जी या रोटी या चावल पे लगाने के लिए इस्तेमाल करो। मैं भी यही करता हूँ। दिन में 2 से 4 चम्मच बहुत होते हैं। वैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच भी इस घी का डेली इस्तेमाल करें ना, तो ये एक जबरदस्त सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। मेरा तो आपको सजेशन यही है कि कम खाओ लेकिन खाओ ऑथेंटिक ही, वरना फायदा क्या? कहने को घी भी खा रहे हैं और फायदा भी नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो सकता है। और अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में कभी कभी खाना खाते हैं, लेकिन इस घी पे खर्चा करना ज्यादा लग रहा है, तो आप खुद इस बात पे दोबारा गौर करके देखें। मैं ये कन्फर्म करना चाहता हूँ कि मैं ना तो किसी ब्रांड के साथ हूँ और ना ही किसी ब्रांड के खिलाफ। बेस्ट कैटेगरी में मेंशन किसी भी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने जो भी इस वीडियो में बोला है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। भारतीय मार्केट में मौजूद ऑथेंटिक देसी काऊ घी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से खरीद सकते हैं। भारतीय संस्कृति में देसी गाय के घी की महिमा खाने से कहीं ऊपर है। महर्षि चार्वाका की ये बात याद आती है, जब तक जी रहे हो खुशी से जियो और भले ही कर्ज लेना पड़े लेकिन घी जरूर खाओ। तो अब तो ये क्लियर है कि जब आयुर्वेद में घी की बात होती है तो वो ये देसी वैदिक घी है, कुछ और नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप एक हेल्दी पीनट बटर खरीदना चाहते हैं तो न्यूट्राबे फूड्स का ऑल नेचुरल पीनट बटर एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। ये आता है 2 वेरिएंट्स में,
क्रीमी और क्रंची। पैक घुमा के देखो तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है और वो है रोस्टेड पीनट्स। ना एडेड शुगर, ना हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स। इसके 2 चम्मच में आपको मिलेगा 9 ग्राम प्रोटीन और 16 ग्राम हेल्दी फैट्स। नेचुरल पीनट बटर आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो सकता है, जिसे आप रोटी पे लगा के, फ्रूट्स पे लगा के या ऐसे ही खा सकते हैं। न्यूट्राबे फूड्स का ऑल नेचुरल क्रीमी और क्रंची पीनट बटर खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल कूपन कोड लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा एक सरप्राइज डिस्काउंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।